हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार अगर आपने कोई कड़वा बात किसी को बोल दिया, उसके बाद सॉरी बोलने से वो चीज़ दुख कम नहीं होता है, है ना। धनुष से अगर एक तीर निकल जाए तो वो वापस नहीं आता है। ये बात बहुत पुरानी कहावत है, हम सब जानते हैं। आज इसको मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इससे रिलेटेड एक चीज मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आज मैं इस टॉपिक को शेयर कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, और ये उन सब लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि कभी ना कभी आपके साथ ये जरूर ऐसा हुआ होगा, है ना। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी 180 वीडियोज़ है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज है, ग्रुप डिस्कशन सीरीज है, इंटरव्यू सीरीज है, देखो 100% लर्निंग मिलेगा आपको। मैंने ब्लॉग शुरू किया एक महीने पहले से, 16 एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से भी और ब्लॉग के माध्यम से भी, दोनों ही जगह आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जाओ ब्लॉग पे, जाओ वैभव एकेडमी इंडिया के नाम से ब्लॉग है, विजिट माय ब्लॉग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करो और वहाँ पहुँच जाओ, पढ़ो आप सिंसियरली और सीरियसली, तैयारी करो, आप जरूर सफल होगे। मैंने इस पर वीडियो बनाया है कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट होने के लिए आपको कितना समय लगेगा, उस वीडियो को जरूर देखो और उसके हिसाब से अपना पर आर कितना पर डे, मान लो से फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे पढ़ सकते हो, 6 घंटे पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से कोर्स को कंप्लीट करने में आपको कितना समय लगेगा वो आपको पता लगेगा, उसके माध्यम से आप तैयारी शुरू करो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करो, चाहे इंडिया एब्रॉड कोई भी एग्जाम हो। चलो मैं बताता हूँ कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। आप किसी की क्रिटिसाइज करते हो, किसी को डिफेम करते हो, ना डिफेमेशन बदनाम करना, है ना, डिफेमेशन किसी को बदनाम करते हो, अगर सच्चाई नहीं है, किसी को आपने बदनाम कर दिया, किसी को आपने गाली गलौज कर दिया, कठोर शब्द बोल दिए, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर्स ऑफिसर कुलीग ऑफिस में हो, घर पर हो, है ना, नेबर्स में हो, घर के बाहर हो, उससे क्या होता, वो सब फिर वापस नहीं आते हैं। सॉरी बोलने से वो कड़वाहट भूल नहीं जाती। आपने मैक्सिमम क्राइम शोज में देखा होगा, लोग उसको पालते हैं दिल में, अगर उसको चुभ गया उस बात को पालते हैं, फिर आपसे वो बदला लेते हैं। डिफेमेशन किस तरह से, आपको ये समझना है, किसी का बदनामी करना जो है, किसी को कड़वी बात बोलना, किसी को क्रिटिसाइज करना, अगर वो छम में नहीं है तो और भी तकलीफ दे है। जैसे धनुष में से एक बार तीर निकल जाए तो उसको आप वापस नहीं ला सकते हो, तो ये बात आपको समझना है कि इस तरह की बातें उस कागज के टुकड़े की तरह है कि आपने एक पेज लो, पेज को फाड़ के पूरा टुकड़े टुकड़े कर दो और उसको फिर बिखेर दो पूरे रास्ते में, दूसरे दिन जाओ और फिर समेटने की कोशिश करो उस कागज को, देखो आप उसमें से कितने कागज समेट पाओगे, आप इकट्ठा कर पाओगे उन कागजों को, जो कागज आपने फाड़ के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, क्या उसको कर पाओगे। किसी की इज्जत, है ना, किसी का सम्मान, किसी का रिस्पेक्ट, सब उसी तरह से है। किसी के बारे में कुछ बोलना, आज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लोग इतने गाली गलौज कर रहे हैं, आपको कभी लगता है कि इतना रिस्पेक्ट सम्मान इज्जत वाले व्यक्ति को आप इस तरह से कर रहे हो, वो वापस आएगा, वो उस कागज के टुकड़े की तरह है जो कभी आप समेट नहीं पाओगे, कितना भी सॉरी बोल दो बाद में, यार वो एक नहीं होगा। वो तो अच्छा है कि उनको एंगर मैनेजमेंट पर कंट्रोल है, वो एक्शन ही नहीं लेते किसी के खिलाफ, अना एक्शन तो छोड़िए रिएक्ट ही नहीं करते, वो मान के चलते हैं कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार। लेकिन रियल लाइफ में आपको ये समझना होगा, और आपके साथ भी हुआ होगा, लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की होगी, आपको बेइज्जत करने की कोशिश की होगी, आपको इंसल्ट करने की कोशिश की होगी, आपकी क्रिटिसाइज करने की कोशिश की होगी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको लोगों ने अपशब्द कहा होगा, आपने भी कहा होगा, ऐसा नहीं कि खाली आपको कहा होगा, आपने भी कहा होगा, हम इंसान हैं, है ना, हमने भी कहा, हमसे भी ऐसा हुआ है। आज बहुत पछतावा होता है, आपको याद आ गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैसेज मुझे पहुंचाना है अपने सारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स को कि इंटेंशनली बोला गया, जानबूझकर, है ना, नियत के साथ, खराब नियत से बोला हुआ कोई भी शब्द वो वापस नहीं हो सकता, वो कागज के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह जिसको आप कभी समेट नहीं पाओगे, ये बात आपको जीवन भर याद रखना है। इसलिए शब्द को तोल मोल के बोला जाता है, इसलिए गॉड ने हमें एक ही मुंह दिया है, दो कान दिए हैं, लिसन मोर मतलब सुनो ज्यादा, बोलो कम, जब भी बोलो तोल मोल के बोलो। अगर आप तोल मोल के नहीं बोलते हो कुछ भी किसी के बारे में, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रूफ के, है ना, बिना किसी साक्ष्य के कुछ भी किसी के बारे में बोलते हो, किसी को बदनाम करते हो, किसी को इंसल्ट करते हो, किसी की बेइज्जती करते हो, तो
तो वो कागज के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह है जो बाद में आप समेट नहीं पाओगे। कितना भी अफसोस करोगे उसके बाद वो समेटा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि गॉड जो है ना, प्रकृति जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है, आप ये समझ लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? गिव एंड टेक पॉलिसी पे काम करता है। एक पॉजिटिव भी है, कंस्ट्रक्टिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपने किसी चीज की चाहत की है और आपने दिल से चाहा है तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाएगा, आपको देख रहेगा। इसका उल्टा भी होता है, अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरा कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? सारा कायनात आपको नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, फिर आपके साथ भी नेगेटिव होगा। आपने किसी की बेइज्जत किया, इंसल्ट किया, फिर आपके साथ घूम फिर के, क्योंकि दुनिया गोल है, घूम के सब चीज फिर वापस आता है, अब वो आपको आएगा ही आएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो आज से एकदम बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। आप स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र में है, किसी भी उम्र सीमा में हो, इंडिविजुअल है, नौकरी पैसा है, रिटायर्ड है, रीस्टार्ट पर्सन है, है ना, आप कोई भी शब्द बोलते हो उसको तोल मोल के बोलेंगे। इसलिए गॉड ने मुझे सिर्फ एक मुंह दिया है कि बोलो कम, कान दिया है तो सुनो ज्यादा, और ये शब्द वापस नहीं आ सकते। अगर आपने किसी भी तरह का कड़वा शब्द बोल दिया, वो धनुष पर चढ़े हुए बाण की तरह एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता है, और वो कागज के बिखरे हुए टुकड़ों की तरह है जो आप फिर कभी समेट नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार आपने किसी की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, बदनाम कर दिया, सॉरी बोलने से वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि आपके साथ भी अगर ऐसा होगा तब आप सोचो आपको कैसा फील होगा। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है अपने आप को दूसरों की जगह रख के देखो कि आपके साथ अगर आप किसी कोई ऐसा करते तब आपको कैसा फील होगा। इस बात को आपको नहीं बोलना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फिर से मैं रिपीट कर दूं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ब्लॉग पे जाओ, पढ़ाई करो आप विद्यार्थी हो तो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।